पेट्रोल पंप है यहाँ पे भी फ्यूल डलवा रहे हैं और नेटको ऑफिस जगोट नाम है जगोट, और ये चेक कर रहे हो व्यू जरा। हुई क्या बात है भाई। हमारा ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त, बहुत खास, बहुत लाजवाब, बहुत मज़े का है, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं जंगलोड में, और जंगलोड बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी पीछे मैं ब्लॉग बनाता हुआ आ रहा हूँ, पीछे मैंने ब्लॉग बनाए हैं, आपको सारा दिखाया है कि किस तरह के रास्ते, खूबसूरत व्यू, माशाल्लाह क्या बात थी यार। और आगे जा रहे हैं अभी स्कर्दू, वहाँ की तो क्या बात होगी, बस और 3-4 घंटों में हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें। और अभी यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं, और मैंने सिर्फ चाय पी है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, खाने पीने का, चाय शाय का, हर चीज़ बहुत महंगी है, आप सोच नहीं सकते। एक बंदे का कम से कम 350-350 रुपया बंदे का लग जाता है वहाँ पे, 120-130 में आपका गुजारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। और ये रेस्टोरेंट है पठान रेस्टोरेंट, चौधरी होटल एंड पठान रेस्टोरेंट, ये वाला बड़ा प्यारा है। ये भी छोटा सा यहाँ पे बैठ के अभी सबने नाश्ता किया है, और ये पीछे पहाड़, तो अभी आपको रास्ते भी दिखाऊंगा आगे, आप देखते आ रहे हो पहले भी, तो जल्दी से चलते हैं, बैठते हैं, सबको दिखाऊं, आपको नहीं दिखाऊं, आप साथ नहीं हो, तो चलो यार चलते हैं फिर, ये भी चल रहे हैं ऊपर, आ जाओ। ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे जा रहे हैं जंगलोट के मेज़बान रेस्टोरेंट एंड वगैरह 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 वगैरह। यहाँ पे आपको बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी, वैसे अभी हवा चल रही, शायद मेरी आवाज़ वैसे ही ना आ रही हो आपको। चलो अब यहाँ और ये देखो ज़रा, ये आगे स्कूल है मेरा ख्याल है, ये आर्मी एरिया सारा, ये आर्मी है, और ये छोटे नन्हे मुन्ने से राही बच्चे जा रहे हैं। वो सामने उधर नाश्ता किया, ये साथ पेट्रोल पंप है, यहाँ पे भी फ्यूल डलवा रहे हैं, और नेटको ऑफिस जगोट नाम है जगोट, और ये चेक कर रहे हो व्यू ज़रा। हुई क्या बात है भाई, जरा चेक करो आप, ये देखो यार, बड़ी खूबसूरत जगह है भाई। वो सामने ज़रा देख रहे हो बर्फ़ वाला, वो क्या नाम, किसने पता नहीं किस नाम बताया था, इस जगह का नाम बताया था, वहाँ पे जा सकते हो, बहुत खूबसूरत है वो भी, उधर सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, वो तो बहुत ठंडा इलाका है उधर भी। तो अभी यहाँ पे अगर बारिश हो जाए ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। वैसे इधर भी वो देखो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ है। तो बस अभी फ्यूल डल रहा है, तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, तो आगे रास्ते में अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो वो आपको लाजमी दिखाई जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार लाजमी। तो चलें नन्हे मुन्ने राही छोटे काके भाई, और सामने ऊपर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे ऊपर ऊपर नीचे रास्ते हैं छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से। मैं डरता नहीं आपकी तरह दिलेर हूँ, जरा चेक करो भाई, देखो बात है क्लियर ना हो जाए, नहीं क्लियर नहीं मरूंगा नहीं मैं, मेरे को जीना भी मरना नहीं है ना। वेरी वेरी हैप्पी, हाँ आप तो रोज यहाँ से जाते हो ना, इसलिए जगह जगह पे मोड़ है, जगह जगह पे मोड़ है, ये सकंदू रोड आ गया, ये ज़्यादा हैवी है, जगह जगह पे ना, जगह जगह पे ना, जगह जगह पे क्या है, क्या है वो हर जगह। और ये ड्राइवर बहुत अच्छा है कसम से, आपसे भी हैवी है ये, आप फिर सही चला नहीं रहे डर डर के करो, बात क्या बात है यार, ये बात ओए होए क्या बात है, ये बात
काश मुझे भी यहाँ पे खड़ा होना तो मेरी एक वीडियो बन जाना था, ऐसे ही मैं बनाना चाहूँगा, आने देगा मुझे चेक करो। वो उधर जाना है यार, बड़ी मजे की रोड है, चौकी आ गई है, खोल दिया, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, पर इसने कुछ नहीं बोला। करो भाई, ये पहाड़ तो पकड़ा ही नहीं जा रहा, इतना बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। काफी का बरका है, सज्जन मंजूर ब्लॉग ब्लॉग। कद्दू से पीछे है अल्पाइन होटल, अभी यहाँ पे मैं स्टे करने लगा हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। ये अपने भाई हैं, इनका होटल है और इनके साथ मेरी दोस्ती हो गई है, तो ये मुझे आज यहाँ पे ठहरा रहे हैं। तो आज कल इंशाल्लाह इनके पूरे होटल का आपको व्यू दिखाऊंगा, बड़ा प्यारा है यार, कसम से बहुत खूबसूरत है। ये ज़रा देखो, यहाँ पे अगर आप आओ स्टे करो यहाँ पे आके, तो आपको इतना ज़्यादा सुकून आराम मिलेगा, ऊपर जाओगे छत के ऊपर व्यू भी इतना अच्छा मिलेगा। कल आपको मैं ज़रा इसके एक रूम वगैरह हर चीज़ जो है ना मज़े से दिखाऊंगा। अभी दे मुझे इजाज़त।